नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बीपीएससी के क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुल 280 नारंगी है, 50 लड़के और लड़कियों में अगर वितरित किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और लड़के को 5 ऑरेंज मिलते हैं, लड़की को 7 ऑरेंज मिलते हैं, तो कितनी यहाँ पे गर्ल्स हैं। हमको यहाँ पे गर्ल्स का काउंट बताना है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, जरूरत होगा तो हम क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि संतरों की जो संख्या है वो 280 है, क्योंकि 280 ही तो है। अब कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी बताई जा रही है, 50 बताई जा रही है। लड़के के पास कितने संतरे हैं, 5 हैं। लड़की के कितने संतरे अगर होंगे तो 7 दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम गणना करें, यानी कि कैलकुलेशन करें, तो देखिए यहाँ पे बॉयज का जो भी क्वांटिटी है, मतलब जितने भी लड़के हैं उनको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, तो 50, ठीक है। 50 में से अगर हम एक्स को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x+7 × 50 − x = 280, ठीक है, क्योंकि कुल संख्या 280 ही तो है ऑरेंजेस की, ठीक है। उसके बाद 5x + 7 × 5 = 35, यहाँ पे जीरो वापस आ जाएगा, 350 हो गया, −7x = 280। अब 2x हो गया यहाँ पे, ये 2x कैसे हो गया, क्योंकि 5x में से अगर हम 7 को डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2x ही आएगा ना। अब ये 350 में से अगर हम 280 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 70 आएगा। 70 जब आएगा तो लड़के के पास संतरे होंगे 5x = 70/2, तो अगर हम 70 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 35 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि लड़के की जो संख्या है, काउंट है, वो 35 है, ठीक है। लड़के की मतलब जो संख्या है, यानी कि गर्ल्स की जितनी जो भी काउंट है वो 35 है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।